अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग भी हम शुरू करते हैं। यहाँ हमारे प्यारे प्यारे पेट्स हैं, हमने हमारी डक्स खुल गई हैं और ये वाली बड़ी डक्स हमारी आ गई है। और वो जो डक है ना दोस्तों, वो डक जो हमारी जो है ना वो ढीली हो गई है, पता नहीं क्या वजह है। वो देखें, वो वाली डक जो है ना बहुत ज़्यादा गंदी गंदी, वो जो पतली बीठी होती है ना वो कर रही है और बाहर भी नहीं आया जा रहा इससे। वैसे तो सही है, अब ना इन लोगों को ना कुछ खाना वगैरह देते हैं अच्छा है, ताकि हमारी जो बत्तक है ना उनके अंदर जान वगैरह आए, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो उसकी मादा है ना, इसकी जो फीमेल है, इसकी जो पार्टनर है, वो दोस्तों बीमार हो चुकी है। ये हमारा माशाल्लाह बीमार नहीं हुई है, लेकिन वैसे ना वो ढीली हो गई है। इसको वो हैं क्या करें, वो देखें, वो तो खुश हो रहा है। चोकर डाल वो अभी लेकर आते हैं। तो गाइस, इनको जो है ना चोकर डालते हैं, वो ठंडी होती है, तो देखते हैं इनको जो है ना हमने सेव करना जैसे भी करके, ढीली हो चुकी है। तो भाई ये हमारे चूजे बाहर आने को कर रहे हैं, इनको जल्दी से हम खोल देते हैं, यहाँ पे फिरते रहेंगे। आ जाओ भाई, चलो। और वो हमारा रैबिट साइड, ये हमारे पहले से खुले हुए थे। दूसरा रैबिट किधर है? एक तो ये रहा, दूसरा किधर है? दूसरा जो है गाइस उधर होगा, ठीक है, देखते हैं अभी। यार दोस्तों, कल रात जब मैंने बंद करने लगाऊ ना अपने पिजन्स वगैरह को, तो यहाँ पे इतने सारे पिजन्स उड़ रहे थे और वो हमारे पिजन्स को देखकर जो है ना इधर आना चाह रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल इनके लिए जाल लेकर आएंगे, जाल वगैरह बनाएंगे आगे जाके ना इनके लिए। तो जो भी हमारे पास आता हुआ ना पिजन्स, हम उसको पकड़ लेंगे अपने शाहजेब से। दोस्तों मैंने बाल्टी मंगवाई थी, इस बाल्टी के अंदर ना आज हमने बोला क्या करना है, आज हमने अपनी डक्स को जो है नहलाना है। बहुत ज़्यादा दोस्तों गंदी हो रही थी, तो सबसे पहले हमने अपनी डक्स को नहलाना है। और उससे पहले जो है ना हम एक काम करते हैं, वो काम ये करना है, ये देखें कैसे बैठा हुआ है। तो अब हमने अपने पिजन्स को खोलना है, तो आ जाए अभी हम अपने पिजन्स को खोलते हैं। के लिए पानी वगैरह मैं लेकर आया, पूरी एक बाल्टी आज हमने अपनी इस डक्स को, ये इसको नहीं नहलाएंगे हम, क्योंकि ये पहले से बीमार है, इसको नहीं नहलाएंगे। बकाया सारी डक्स को हमने अपने इसको रांझे को, और ये जो डक्स है ना ये दोस्तों बहुत गंदी हो रही थी, तो आज इनको ठंडे पानी से नहलाना है, पानी बहुत ठंडा है। तो आए दोस्तों, हम इनको नहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वहाँ पर राजे को नहलाएंगे, सबसे पहले वहाँ पे छोटी डक्स को नहलाएंगे, इनको पता चल गया कि मैंने इनको नहलाना है। इस वजह से ना वो देखिए वो तो वहाँ पे खाना खा रही है, तो पहले सबसे पहले हम इनको नहलाते हैं। और इधर आओ, इधर आओ, और उसके बाद हम अपनी बड़ी डक्स को नहलाएंगे, वो दिखाओ वो वहाँ पे फिर रही है। दोस्तों हमने अपने छोटी डक्स को नहला दिया, देखें पानी पी रही है। अभी हम आपके साथ जाऊंगा मैं, और हम आपके साथ जाकर इनके लिए खाना वगैरह लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना हम अपनी जो बड़ी डक्स है ना, बिग डक्स जो लेकर आए हैं, जिनको डैम डायनासोर रखा है, उनको भी नहलाना है। ये वाली है कि ये वहाँ पे, इसको नहीं हम नहलाएंगे क्योंकि दोस्तों ये जो है ना ये बीमार हो चुकी है, ढीली ढीली है, इस वजह से इसको नहीं नहलाएंगे। तो आप लोग उसके लिए दुआ करें कि दोस्तों सही हो जाए, सेहतमंद हो जाए, हमारा दोबारा से लॉस ना हो कोई। वो वहाँ पर फिर रही है, हम उसको पकड़ते हैं। ये भी काफ़ी तेज भागती है, पकड़ में नहीं आती। कुछ भी नहीं कर रहा। ये देखे भाई कैसे छूट रहे को कर रही है, अब इसको नहलाते हैं हम जल्दी से। आ जाओ, ये भी बस बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको नहला दूं, कि जबकि आई है ना ये, इसने ये नहाई नहीं है, तो इसको भी नहला देते हैं। वो वाली जब सेहतमंद हो जाएगी ना वो वाली, फिर उसको नहलाएंगे, ठीक है ना? क्या ख्याल है? बैठ, क्योंकि अभी वो बहुत बीमार है। बैठ, ये देखो कैसे निकल जाए, वो कर रही है। मैंने कहा थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। इनके लिए ना टप वगैरह लेकर आएंगे, टप में सही होती है, टप में नहाती भी है, तैरती भी है, कुछ भी नहीं होता। चलो जाओ,
दोस्तों मुझे इसको देखकर तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये वैसे भी साफ़ है। मैंने इसको नहीं नहलाया क्योंकि ये जो है ना, फिर वो देखो कैसे वो चीख रहा है। इनको को दोस्तों खाना वगैरह देते हैं, तो इनको खाना लेने के लिए जाना है, तो मेरे साथ इनको खाना ले ले मेरे हम आज चलता है, तो खाना लेकर आते हैं। ठीक है, ख्याल है। ठीक है, इनके लिए आज अंतरी लेकर आते हैं, जो पट्टे होते हैं ना दोस्तों, आज वो इनको खिलाते हैं। छोड़ दो इनको, ना छेड़ो। ठीक है, इनको हमने नहला दिया था। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं इनके लिए खाना लेकर आता हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई दोस्तों, हमने इनके लिए घास ली है अपनी डक्स वगैरह के लिए, और कोई चीज़ हमें मिली नहीं थी। इनके पास वो जो जंतरी होती है वो थी नहीं है, तो घास ले ली है। अपने घर चलते हैं, लेके उन्हें देखते हैं हमारी डक्स और हमारे रैबिट खाते हैं कि नहीं खाते। तो फाइनली हम अपनी जो है ना, ये घास वगैरह ले आए हैं, बहुत ज़्यादा घास ले आए थे। ये तो 2 दिन तो चल जाएगी। हम आज जाओ लेके आओ तुम बाजरा, हम आज जब तक बाजरा ले आता है तब तक मैं इनको घास वगैरह खिलाता हूँ। क्या हाँ, मैं भी इतनी ज़्यादा लेकर आते थे, वो पालक शालक लेकर आते थे। पालक से बेहतर बल्कि खरगोश ये चीज़ें खा लेते हैं। देखते हैं हमारी डक्स वगैरह भी खाती हैं कि नहीं खाती हैं। हम थोड़ा सा ये हमने थोड़ी सी ले ली है, इतनी सी, तो अब इतनी सी लेकर के देखते हैं हमारे खरगोश तो खाएंगे, डक्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं। पहले पीछे आ रहे हैं ये देखो जी, खरगोश आ रहे हैं पहले से ही। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ, उनको पता लग गया कि आप ये लो यहाँ पे फेंक देता हूँ। चलो अंदर चला गया। ये किसने खोला था? बाहर आ जाओ। किसने खोला था ये? पता नहीं, बंद पड़ा था। अभी आएगा तो करना। चलो कर दो बंद कर दो। दोस्तों ये जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर चले जाते हैं और फिर इनको बाहर निकालना मुश्किल होता है, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है। इस वजह दरवाज़ा जो है ना हम बंद रखते हैं। फिलहाल जो है देखें, खरगोश खा रहे हैं, डक्स नहीं खा रहे हैं। डक्स के लिए भी है ना, फिर ले आओ कुछ और चीज़ ले आओ। चुको चोकर वगैरह जो है ना वो इनको देंगे डक्स को। जब सारे हमारे जो है रैबिट्स वो माशाल्लाह खा रहे हैं, तो तुम लोग खा लो। चलो इनको हम खाने। दोस्तों हमारी एक डक गई है, बड़ी वाली जो डक है ना, वो देखें वो खा रही है। ये देखें, ये यहाँ से लेके खा रही है। ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ी सी जो है ना इनको थोड़ी सी ये इतनी सी रख देता हूँ, शायद देखते हैं खाती हैं कि नहीं खाती हैं। अगर डक्स भी खाती हैं तो क्या ही बात है हमारे लिए। तो फिलहाल हम ना इनको रख देते हैं, इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ये ऐसे मैंने रख दिया। अब देख लेते हैं कि हमारे रांझा और डक वगैरह खाती है कि नहीं खाते। खा रही हैं। क्या रख दो इधर, हमको ना छेड़ना अब। ठीक है शाहजेब, दोस्तों छेड़ता रहता है हमारे पेट्स को। अभी उनके लिए बाजरा क्या, हाँ ये दे दो। अभी दोस्तों उनके लिए बाजरा मंगवाया सारा हमने इनके अपने कबूतरों के लिए, तो जो है ना इनको बाजरा वगैरह देंगे और उसके बाद जो है ना हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी। ये वाली हमारी डक दोस्तों निकल ही नहीं रही है, अंदर चली गई। जब से इसको नहलाया ये लगता डर गई है, ये शायद सोच रही है कि जब भी बाहर आएगी ना इसको मैं पकड़ के नहला दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। इनको सिर्फ एक मरतबा नहलाया ताकि गर्मी की इनकी निकल जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, और इस खुडे में तो डायरेक्ट धूप भी पड़ती है, तो इस वजह से ये बात है। अब देखें कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है, पहले तो बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही थी दोस्तों। लो भाई दोस्तों, हमारा बाजरा जो है वो आ चुका है। अब हमारे जो कबूतर हैं जो भूखे थे, उनको भी हम खाना वगैरह देते हैं। रख दो इसको, आप रख दो इसको, इसको ना पकड़े जाओ। एक तो बच्चे जो है ना चैन नहीं देते। फिलहाल जो है ये बाजरा हम इसमें थोड़ा सा दे देते हैं। ये मिक्स बाजरा लिया है पागल सा, मिक्स की क्या ज़रूरत थी, मिक्स वैसे देते भी थोड़ा सा ही है। तो बाजरा भी मैं सोच रहा हूँ एक मरतबा ही सारा मंगवा लिया जाए, इससे हमें महंगा भी पड़ता है और कॉस्ट आता भी थोड़ा है। वो देखें कैसे आए, वो देखें कितने भूखे थे दोस्तों, देख लें आप लोग। थोड़ा सा आज आप लोगों को अपने बजट भी दिखाए, तो आप लोग कह रहे होंगे बजट कहाँ चले गए। बजट हैं, नीचे रखे हमने, कहीं भी नहीं गए बजट, उनको नीचे रखा हुआ है। उनको आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आज। हमने बजट का जो है ना दाना पानी भी चेंज करना है, ये वाला दाना डालेंगे बजट को। ठीक है, तो फिलहाल कबूतरों के लिए उतना काफ़ी है, और हम अपने बजट को जो है ना मैं आपको अपने बजट दिखाऊंगा जब नीचे जाऊँगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी नीचे नहीं जा रहा। ये देखें दोस्तों, ये हमारी डक रो रही है। क्या हुआ, मुझे लग रहा है दोस्तों इसकी यहाँ पे ये रो रही है दोस्तों, इसकी आँखों में से पानी बकायदा मुझे दिख रहा है। इसकी बहुत तबीयत ख़राब है, इसको कल जो है ना डॉक्टर के लेके जाएंगे, जो डॉक्टर होता है जानवरों का उसके पास लेकर जाएंगे और इसको हम चेक करवाएंगे। ऐसा नहीं बनेगा काम यार इसका, इसको जो है ना हमने करना पड़ेगा। इसको तो हमने बहुत प्यार से पालना है इंशाल्लाह ताला। कोई बात नहीं, तुम डायनासोर कोई बात नहीं, हम तुम्हें सही कर देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, ये देखो माँ, ये तो बहुत ही रो रही थी, क्या करें इसका। कल ना प्लान बनाते हैं, कल सुबह जाएंगे हम अपने डॉक्टर के पास। ठीक है दोस्तों, कल इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। क्या हुआ, कोई बात नहीं, खाने दो उनको, कोई बात नहीं खाने दो।
इतने सारी रखी थी माशाल्लाह, उन्होंने सारी खा ली है। ये हमारे चूज़ हैं दोस्तों, और हम अपने बजट को मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जाके। फिलहाल जो है दोस्तों मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट वगैरह कर दें जो आप करना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दें। आज का ब्लॉग हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।